नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पाषाण काल के बारे में उसके प्रकार क्या है और उनका टाइम पीरियड क्या है, और हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए, हमने पढ़ा था कि पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो शिकारी अवस्था में था, उसके जीवन में स्थायित्व तो नहीं था, अभी भी वो खाद्य संग्राहक है ना कि खाद्य उत्पादक। अब उपभोक्ता है वो, उत्पादक नहीं है, अभी वो घूम रहा है, फिर रहा है, स्थायित्व नहीं आया। स्थायित्व अब जाके आगे वाले जब काल पड़ेंगे अभी एज, उनमें स्थायित्व हमें देखने को मिलेगा। देखो आज हम पढ़ेंगे पाषाण काल। हमने पूरा पाषाण काल पढ़ा था, उसके तीन पार्ट है, हम उसके बाद तीनों काल के बाद एक नया काल आएगा मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल के बाद नया काल आएगा नव पाषाण काल। तो ठीक, हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व। देखो इस काल के बारे में, इसे माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं, माइक्रोलिथिक एज, माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक महोदय है सीएल कार्लाइल, एक महोदय है सीएल कार्लाइल ने, इन्होंने क्या किया 1867 में विंध्याचल, विंध्य पर्वत, विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला है उस उनके पर्वत के क्षेत्रों में छोटे पाषाण उपकरण खोज निकाले, छोटे पाषाण उपकरण खोजे। इनकी जो लंबाई है वो 1 से लेकर 8 सेंटीमीटर तक मापी गई। सीएल कार्लाइल ने 1867 में विंध्य पर्वत के क्षेत्र में छोटे लघु लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इनकी जो लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर है, इसीलिए इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। अब देखो इसमें पाषाण उपकरण जो छोटे बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसे कि हमने पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा था कि उसमें जो जलवायु थी पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण की जलवायु जो थी वो क्या थी? ठंडी थी। अब इसमें क्या हो जाएगा? जलवायु में गर्माहट आ जाएगी, गर्माहट होने से क्या होगा? छोटी छोटी वनस्पति का विकास होगा, छोटी छोटी वनस्पति की उत्पत्ति होगी, इसके साथ छोटे जीव जंतु जो जीव जंतु उदय होगा, जैसे खरगोश, हिरण, मछली और भी अन्य जानवर। तो इनको मारने के लिए छोटे औजारों की आवश्यकता पड़ी। पहले कहता था पूरा पाषाण काल के अंदर जानवर बड़े थे, जलवायु ठंडी थी तो जानवर भी काफी बड़े बड़े थे, उनको मारने के लिए बड़े बड़े पत्थर के औजारों का यूज किया जाता था। कैसे मारते थे वो? या सारे ग्रुप वाले मिलकर उसको पत्थर से नोच दिया करते थे, या फिर पहाड़ के नीचे से कोई झुंड जा रहा है किसके नीचे किसी जानवर होगा तो पहाड़ से क्या करते थे, वो पत्थर लुढ़का देते थे तो उनसे दबकर मर जाता था, और वो पत्थर के जो औजार अपने पड़े थे पाषाण पूरा पाषाण काल में उनसे क्या करते, काटते थे वो, ऐसे यूज लेते थे। अब क्या कि छोटे जानवर आ गए, अब छोटे जानवर तो बड़ा पत्थर लेके लेकर भागेंगे नहीं उनके पीछे, लेकिन इनकी दौड़ते भी तेज है, भागते भी तेज है,
इनके मन को मारने के लिए कैसे पाषाण उपकरण की आवश्यकता थी जो छोटे हो जिनको फेंक कर मारा जा सके आसानी से। तो इसी एवज में छोटे पाषाण उपकरण जो थे उनका विकास हो, कौन कौन से पाषाण उपकरण उपकरण देखो नवचंद्राकार, त्रिभुजाकार, नवचंद्राकार, त्रिभुजाकार, इसके अलावा समलंब, नवचंद्राकार ऐसे जब यूं करके यूं प्रकार के ये पेने होते थे, यूं नोनू के लिए होते थे कोने इसके, त्रिभुजाकार यूं त्रिभुज के नुमा इसके कोने होते थे पेनों के लिए कोने, समलंब यूं ये कोने होते थे इनको फेंक कर मारा जाता था। इनकी क्या थी मारक क्षमता अधिक थी, इन उपकरणों क्या थी मारक क्षमता अधिक थी, फेंक कर मारे जाते थे। मारक क्षमता फेंक कर मारे जाने के कारण क्या प्रक्षेपात तकनीक का विकास हुआ, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ, प्रक्षेपास्त्र तकनीक से तीर तीर कमान का विकास हुआ, कोई पूछे कि तीर कमान का विकास कौन से काल में हुआ तो वह मध्य प्रश्न काल में, तो इसकी ये प्रमुख विशेषता थी। और देखो इसके बारे में इसकी विशेषता क्या कह रही है, जलवायु गर्म है, छोटे वनस्पति उग रही है, छोटे जीव जंतु का उदय हो रहा है, इसके अलावा इस काल में भी जो मानव था मानव की अवस्था खाद्य संग्राहक की, खाद्य संग्राहक व शिकारी अवस्था थी, शिकारी प्रवृत्ति की थी। याद रखना अभी भी मानव क्या है खाद्य संग्राहक है। इसके अलावा आग की खोज हो चुकी है, मांस को पकाकर खा रहा है। इसके अलावा सामुदायिक जीवन आ गया, सामुदायिक परिवार एक साथ से परिवार मिलकर रह रहे हैं, इसके अवशेष में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा पशुपालन के हिसाब से प्राप्त हो रहे हैं अपवाद स्वरूप, लेकिन अपवाद है मतलब दो जगह से हमें पशुपालन के हिसाब से प्राप्त होते हैं, खेती के हिसाब से प्राप्त होते हैं, लेकिन ये भी अपवाद है। अपवाद कैसे, क्योंकि ये जो माइक्रोलिथिक काल था मध्य पाषाण काल एक ट्रांजिशन पीरियड था, संक्रमण काल था, इसमें क्या था कि कुछ विशेषताएं अपने से पिछले काल यानी पुरापाषाण काल की थी और कुछ विशेषताएं अपने ऐसे आने आगे आने वाले काल की है नवपाषाण काल की। तो इसमें क्या है कि पुरानी अवस्था को लिए हुए ये नई अवस्था की ओर अग्रसर हो रहा था ये काल। अभी भी खाद्य संग्राहक है, उत्पादक नहीं है, लेकिन क्या है धीरे धीरे कुछ कुछ नवपाषाण काल की विशेषता इसके अंदर आ गई, जैसे कि सामुदायिक व्यवस्था पर्यावरण व्यवस्था आ गई थी, पशुपालन वो करने लग गया था, खेती भी कुछ अपवाद स्वरूप करने लग गया था, मर्दभाटी बनाने लग गया था, लेकिन ये अपवाद स्वरूप प्राप्त होते हैं हमें विस्तृत तौर पर प्राप्त नहीं होते, इसलिए इसे संक्रमण काल कहा गया इसे। और देखो खेती कर रहा है, पशुपालन कर रहा है, सामुदायिक पारिवारिक व्यवस्था की, और वो क्या बोलते हैं सावधान प्रथा आ गई थी, सावधान प्रथा इसमें थी अंतिम संस्कार वाले। तो ये कुछ विशेषता है इसकी,
इसके अलावा चित्रकारी भी बड़ी मात्रा में की गई। चित्रकारी दीवारों पर चित्रकारी जो की गई बड़ी और बड़ी मात्रा में इस काल में की गई, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। तो इसे नोट डाउन कर लो। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं इसका भौगोलिक विस्तार कि मध्य पाषाण काल का भौगोलिक विस्तार कहाँ कहाँ है। ये देखो, राजस्थान में एक जगह है भीलवाड़ा में बागोर, यहां से क्या मिले हैं प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य। एक जगह है मध्य प्रदेश में आदमगढ़, यहां से भी प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब देखो यूपी में कुछ जगह है, मैं नाम देखो, एक है सराय नहर, सराय नहर, एक है महदहा और एक है दमदमा, तीन जगह है और तीन और आएंगे भी, सराय नहर, महदहा और दमदमा। देखो सराय नहर से सामूहिक हत्या के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी क्या है 40-39-40 नरक काल प्राप्त हुए हैं, जिनकी जो अवस्था है नरक कालों की वो शत विशत अवस्था में, यानी कटे फटे हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर किसी ने आक्रमण किया और उनकी बड़ी मात्रा में उनकी हत्या कर दी गई हो, सामूहिक हत्या के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। स्तंभ गर्त प्राप्त होते हैं, स्तंभ गर्त, गर्त चूल्हे प्राप्त होते हैं यहां से, इसकी प्रमुख विशेषता है। महदहा में देखो, यहां से हड्डी व सींग के उपकरण व आभूषण, उपकरण व आभूषण आभूषण प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा युगल समाधान प्राप्त हुए हैं, युगल यानी कपल महिला पुरुष के युगल समाधान। इसके अलावा मृग सिंह के छल्ले प्राप्त हुए हैं, यहां से स्तंभ गर्त व गर्त चूल्हे यहां से प्राप्त हुए, यहाँ यूपी में। दमदमा के बारे में देखो, यहां से भी युगल समाधान, युगल युगल समाधान, स्तंभ गर्त व गर्त चूल्हे कॉमन विशेषता। ठीक है, ये वो है। और देखो इसके अलावा इसके अलावा यूपी में विंध्य पर्वत क्षेत्र की जगह है मिर्जापुर जिला, यहां से क्या प्राप्त हुए हैं नरकंकाल, तीन जगह है लेकैया है मोराना पहाड़ है, इन जगह नरकंकाल प्राप्त। गुजरात में एक जगह है
यहाँ से क्या प्राप्त है, यहाँ से भी नर समाधान प्राप्त है नर कर्ण का, वो लघु उपकरण स्तंभगत ये प्राप्त। एक अपने राजस्थान में जगह सांबर, सांबर क्या मिले प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य, प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, सांबर से। तो ये मध्य पाषाण काल के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं जहां से कुछ विशेषताएं प्राप्त हुई है उनके बारे में हमने इसमें देखा है। ये नोट डाउन कर लो आप लोग, यूपी में, ये यूपी में, यूपी में, ये यूपी में, ये राजस्थान में, और ये एमपी में, और ये गुजरात में, याद नोट डाउन कर लो। देखो आगे देखते हैं, ये अपना मध्य पाषाण काल को कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको बेसिकली क्या चीजें ध्यान रखनी है, एक तो यह ध्यान रखना है कि प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी पशुपालन विस्तृत तौर पर नहीं किया जा रहा, ओनली अपवाद स्वरूप। और क्या हो रहा है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि सामूहिक हत्या के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं, यानी सामुदायिक लड़ाई हो रही है, लड़ाई के साक्ष्य प्राप्त है। समाधान प्राप्त हो रहे हैं यानी कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था हो रही है। हड्डी के उपकरण मिल रहे हैं, आभूषण मिल रहे हैं, यानी कि उनमें क्या क्या था, सांस्कृतिक जीवन धीरे धीरे उनमें डेवलप हो रहा है, तो चीज हमें इसमें देखने को मिलती है। अब इसके आगे वाले काल पढ़ते हैं, नवपाषाण काल उसको देखते हैं। देखो नवपाषाण काल, इसके बारे में देखो टाइम पीरियड इसका 8000 से आप मान सकते हो 2000 वर्ष पूर्व तक या ईसा पूर्व, ईसा पूर्व कह लीजिए 4000 ईसा पूर्व भी देखने को मिलता है। अब देखो उसके बाद इसे नवपाषाणिक क्रांति कहा गया है, नवपाषाणिक क्रांति कहा गया इसका अर्थ क्यों कहा गया क्रांति, क्रांति का मतलब क्या होता है कि अचानक कोई चीज घटित हो जाना। इसमें क्या है कि काफी सारे क्षेत्रों में हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, पर क्रांति का मतलब परिवर्तन हो जाना अचानक, इसमें काफी सारे परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। मानव का जो जीवन था वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हो गया है, उसके जीवन में स्थायित्व आ गया है, वो कहेंगे नए नए उद्योगों का विकास करेगा, सांस्कृतिक जीवन सांस्कृतिक जीवन का उसमें डेवलपमेंट हो चुका है। तो इसके अंदर में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। अपन को इस शब्द की जो जनक है ये गार्डन चाइल्ड है, नवपाषाण क्रांति कौन है, गार्डन चाइल्ड शब्द की जनक है। इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसमें कृषि का ज्ञान होगा, मनुष्य को क्या होगा कृषि का ज्ञान होगा, तो क्या होगा खेती होगी, खेती होगी, जब खेती होगी तो मनुष्य क्या करेगा फसल पकेगी, पकने के लिए वहां उसका इंतजार करेगा, तो क्या होगा घर का निर्माण करेगा, घर का निर्माण होगा, घर का निर्माण होगा तो क्या होगा स्थायित्व आएगा, स्थायित्व आएगा, घर का निर्माण होगा स्थायित्व आएगा तो क्या होगा गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा। और देखो और क्या होगा, पशुपालन करने लगेगा वो, पशुपालन विस्तृत मात्रा में पशुपालन कर लेगा, तक खाद वगैरह भी मिल जाए खेती के लिए। इसके अलावा मृदभान उद्योग का विकास होगा, मृदभान
इसका विकास होगा कि मृदभांड है चार व हाथ दोनों से बनाए जा रहे हैं, इस काल में अपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा चकमक उद्योग, चकमक उद्योग पॉलिशदार, पॉलिश करने लगेगा वो हड्डी के और सींग के आभूषण बनाने लगेगा वो। इसके अलावा देखो हड्डी के उपकरण जो है वो हमें मध्य पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। मैंने पहले कहा है कि वहां पर जो भी चीज हमें देखने को मिल रही है वो अपवाद स्वरूप देखने को मिल रही है, उसका विस्तृत जो निर्माण जो विकास होगा वो नवपाषाण काल के अंदर होगा। इसलिए यहाँ पर भी हड्डी के उपकरण हमें देखने को मिलते हैं वो भी विस्तृत तौर पर। और इसमें क्या है, इसमें जो उपकरणों की बात हुई थी पाषाण उपकरण है, इसमें वही पाषाण उपकरण अभी भी जारी है जो कि पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल में मनुष्य द्वारा यूज लिए गए हैं या उसका निर्माण किया गया है। जैसे कि वही पुरापाषाण काल की बात करें, हैंडेक्स, क्लीवर, ब्यूरिन वगैरह है, पॉइंट है, स्क्रैपर है। इसके अलावा फिर मध्य पाषाण काल की बात करें तो नवचंद्राकार, समलंब और त्रिभुजाकार जो उपकरण है लघु उपकरण, उनका भी अभी यूज लिया जा रहा है यहाँ पर, तो वो उपकरण अभी भी जारी है, ये याद रखना है अपन। लेकिन क्या है, यहाँ पर कुछ बड़ी मात्रा में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, इसलिए नवपाषाण क्रांति कहा गया है। इसके अलावा क्या है, मनुष्य क्या हो गया, मनुष्य का प्रवृत्ति क्या हुई, मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आ गया। क्या गया, स्थायित्व आ गया। इसके अलावा उपभोक्ता से उत्पादक बन गया, उपभोक्ता से उत्पादक, सांस्कृतिक डेवलपमेंट हो गया उसको, ये याद रखना है। इस मात्रा में बड़ी मात्रा में चित्रकारी भी की गई, ये याद रखना। चित्रकारी कैसे करते थे वो, किस टाइप के चित्र मिलते थे हमें चित्रकारी में, देखो सामुदायिक शिकार के और सामुदायिक मिल रहे, शिकार के मिल रहे हैं और मनोरंजन के मिल रहे हैं और जानवरों के मिल रहे हैं। ये जो शिकार, ये जो चित्रकारी थी, ये यथार्थवादी थी, यथार्थवाद पे आधारित, यानी कि आदर्शवादी चित्रकारी नहीं थी, कल्पनात्मक चित्रण नहीं किया गया था। जो कुछ प्रकृति में उन्होंने देखा उसका चित्रण उन्होंने कर दिया। इसके लिए क्या करते थे, वो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते थे, ये याद रखना। तो इसमें हम बेसिकली कृषि ज्ञान हो रहा है, खेती हो रही है, घर का निर्माण हो रहा है, स्थायित्व आ रहा है, पशुपालन किए जा रहे हैं, इसके अलावा मृदभांड उद्योग आ रहा है, हाथ से चाक दोनों से बन रहे हैं, चकमक उद्योग आ रहा है, हड्डी के उपकरण का निर्माण हुआ है, आभूषण पहन रही है महिलाएं, हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको नोट डाउन कर लो। आगे देखो, हम देखते हैं इसके भौगोलिक विस्तार, नवपाषाण काल का भौगोलिक विस्तार। देखो ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ये भी इंडिया में हुआ करता था पहले 1947 से पहले, बांग्लादेश अपना पार्ट था। अब देखो यहाँ पे एक जगह है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान प्रांत है, वहां पे है मेहरगढ़। यहां से क्या मिले हैं, यहां से हमें प्राचीनतम कृषि के
साक्ष्य प्राप्त होते हैं, प्राचीनतम खेती की साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसमें जो गेहूं प्रमुख फसल थी, इसके कुछ की जो गेहूं की जो की थी इनकी जो किस्में इसमें प्राप्त होती। इसके अलावा भैंस पालन के प्राचीनतम साक्ष्य, भैंस पालन के प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा यहां पर एक कब्र मिली है जिसमें बकरी के बच्चे को दफनाया गया है एक मनुष्य के साथ, यानी कि बकरी के बच्चे को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता है। कहां पे है? बलूचिस्तान प्रांत, इसका नाम बलूचिस्तान पाकिस्तान में, आधुनिक पाकिस्तान बलूचिस्तान प्रांत आधुनिक। इसके अलावा देखो कश्मीर में दो जगह है, एक है बुर्ज होम, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, एक है कुफ करार, बुर्ज होम और कुफ करार कहां पे है? कश्मीर में। देखो बुर्ज होम में क्या मिले हैं, मनुष्य के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य यहां से प्राप्त होते हैं। कहां से? बुर्ज होम से। इसके अलावा देखो, इसके अलावा इसके अलावा यहां पर झीलों के किनारे दर्तावास पाए गए हैं, झीलों के किनारे गर्तावास। अब गर्तावास है, गर्तावास क्या होते थे कि जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर रहते थे, क्योंकि कश्मीर है, कश्मीर में ठंड बहुत पड़ती है, तो वह गड्ढा खोद कर अंदर से उसे खोखला करके उसमें मनुष्य रहता था। गर्दावास पाए गए कहां पे? झीलों के किनारे। झील है, झील झील के किनारे क्यों? क्योंकि झील है, आसानी से पानी वगैरह मिल जाएगा, मछली मिल जाएगी, खाने के लिए जुगाड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो गुफ करार पे, देखो इसके बारे में देखो, जो गुफ करार है, गुफ करार है, यहां से भी गर्दावास पाए गए। क्या? गर्दावास, गर्दावास पाए गए। इसके अलावा हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, गर्दावास क्या क्या होता था कि मनुष्य अंदर जाके रहता था, आग जला लिया करता था और साथ में अंदर गर्मी रहती जमीन के अंदर, हड्डी के उपकरण पाए गए। ये कश्मीर की बात रही है, नौपाषाणकालीन भौगोलिक क्षेत्र। इसके अलावा देखो यूपी में, देखो यूपी में तीन जगह है, यूपी में तीन जगह है, उन तीन जगहों के नाम है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, चोपानी मांडो और महल हवा, महल हवा। इसके बारे में देखो, ये कोल्डी हवा है, यहां से प्राचीनतम धान के साक्ष्य प्राप्त हुए, प्राचीनतम धान के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके अलावा हम बात करते हैं चोपानी मांडो की, तो यहां से क्या प्राप्त हुए? यहां से मधुमक्खी के आकार की झोपड़ियां, मधु मक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ियां प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुए? मधुमक्खी के आकार की छत्ते के आकार की झोपड़ी।
इसके अलावा यहीं से चौपाई मांडू से क्या पढ़ाया, प्राचीनतम मृदभांड प्राप्त है, प्राचीनतम मृदभांड यहां से प्राप्त है। इसके अलावा धान की साक्ष्य प्राप्त है, धान के महदहा में देखो यहां से प्राचीनतम गौशाला गोलाकार झोपड़िया प्राचीनतम गौशाला और गोलाकार झोपड़िया। इसके अलावा धान व जौकी चौकी के साक्ष्य प्राप्त धान व चौकी। अगर पूछा जाए कि प्राचीनतम धान के साक्ष्य कहां से प्राप्त है, तो प्राचीनतम धान के साक्ष्य प्राप्त है कोल्टी हवा से। अगर ये पूछा जाए प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से प्राप्त है, तो प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य प्राप्त मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से प्राप्त है। इसमें जो और गेहूं प्रमुख फसल है याद रखना है। गौशाला के प्राचीनतम साक्ष्य वो प्राप्त हुए हैं महदहा से, यूपी में है। गौशाला कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर काफी मात्रा में गोबर मिला है। गोबर कहाँ मिलता है, यहाँ पर गौशाला वहां पर और भी अवशेष मिले हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ पर गौशाला है। गोला का झोपड़े के अवशेष मिले हैं, धान और झोंके साक्ष्य प्राप्त हुए। ये देखो एक यूपी एक बिहार में एक जगह हो रहे चिरान, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहीं पूछ सकते हैं आपको। यहाँ से क्या हड्डी मृग सिंह के काफी मात्रा में उपकरण प्राप्त है जो भी जली हुई अवस्था चिरान से, हिरण के हड्डी के उपकरण, सर्वाधिक मात्रा में कहां से चिरान का है, बिहार में, यूपी में। या अब देखो हम चलते हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश। देखो कर्नाटक में, देखो कर्नाटक में ब्रह्मगिरी मास्की कोडेकल, इसके अलावा एक दो तीन कोडेकल है, इसके अलावा हल्लूर पिपलीहल संगकल्लू हल्लूर प्रमुख। आंध्र प्रदेश की बात की है, आंध्र प्रदेश में है कोडेकल, वो कोडेकल है कोडेकल, उतनूर कोडेकल उतनूर, इसके अलावा नागार्जुन कोंडा, इसके अलावा नागार्जुन कोंडा भी कहा है आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक जगह है पोचमपल्ली, तमिलनाडु में पोचमपल्ली, इन जगहों से नवपाषाण कालीन उपकरण साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो दक्षिण भारत में हमें राग के टीले प्राप्त होते हैं, दक्षिण भारत में राग के टीले क्या होता था कि जो कृषि अवशेष होते थे और पशुओं के जो गोबर वगैरह होते थे वो भी क्या करते थे इकट्ठा करके वो जला दिया करते थे, तो राग के टीले बन जाते थे। तो वो राग के टीले हमें कहाँ से प्राप्त हुए, दक्षिण भारत में। वो दक्षिण भारत में कौन सी जगह है ये देखते हैं, दक्षिण भारत में उतनूर उपगल और कोडेकल, दक्षिण भारत की तीन जगह जहाँ से राग के टीले प्राप्त है, उतनूर कोडेकल और उपगल, यहां से क्या प्राप्त होते हैं राग के
तीन प्राप्त, क्या प्राप्त होते हैं, राज की टीम, ये याद है, ये नोट डाउन करो। जैसे कि हमने मध्य प्रश्नकाल के बारे में देखा, नव प्रश्नकाल के बारे में देखा, हम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो अपने छूट गया है, एक टॉपिक है छोटा सा इसी काल के दौरान, भीमबेटका, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? मतलब मध्य ये पाषाण काल का अंतर्गत ही है, भीमबेटका कोई अलग टॉपिक नहीं है, ये याद रखना। भीमबेटका क्या है, ये पाषाण काल जो है इस काल के दौरान यहां पर चित्रकारी हुई थी, तो ये उसका टाइम की चित्रशाला थी, चित्रशाला है, कहां पे, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। भीमबेटका बेसिकली यहां 700 गुफाएं यहां पे, इसमें 475 में चित्र पाए गए हैं, पाषाण काले चित्रकला के अवशेष पाए गए हैं, चित्र पाए गए हैं, 700 गुफा कितने, 700 है, 475 में चित्र है। इसकी खोज की थी 1958 में वाकणकर महोदय द्वारा, ठीक है। इसके बारे में देखो, यहां पर जो चित्र है उनकी विषय वस्तु है नृत्य करते मानव, शिकार पर जाते मानव, शिकार करते हुए मानव, इसके अलावा यहां पर 19 प्रकार की प्रजातियों के चित्र पाए गए हैं। इस 19 प्रकार में है प्रमुख है भैंसा, गेंडा, हाथी, हिरण, चीता आदि। इस 19 प्रकार के जीव जंतु में ये प्रमुख है। इसके अलावा इनके चित्र पाए गए हैं, इन चित्रों में 16 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है, इन चित्रों में कितने प्रकार के, 16 प्रकार के, इनमें लाल व सफेद प्रमुख है, मतलब लाल और सफेद रंग का अधिक प्रयोग किया गया। ये जो रंग थे ये प्राकृतिक हुआ करते थे, आज की तरह केमिकल वाले नहीं, उस टाइम केमिकल नहीं था, नेचुरल सोर्स से रंग बनाते थे। ये देखो कि ये भीमबेटका में अधिकतर जो चित्रकारी मिली है, चित्र मिले हैं, ये मध्य पाषाण काल के अधिकांश चित्र, लेकिन जो चित्र चित्र जो चित्र हैं, जो चित्र मिलते हैं हमें, वो पुरापाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के मिलते हैं। मध्य पाषाण काल भी आ गया, इसमें नव पाषाण काल के चित्र है, ताम्र पाषाण काल के चित्र है, साथ में ऐतिहासिक काल तक के इसमें हमें चित्र देखने को मिलते हैं, ये देखो। इसके अलावा यहां पर हमें एक वराह का चित्र मिलता है, जिसका जो शरीर है सुअर का, उसकी जो नाक है वो गेंदे की है, उसके होंठ हैं हाथी के, और सींग भैंसे, सींग है जो भैंसे के, याद रखना। इसके अलावा यहां पर गणपति की प्राचीनतम चित्र मिला है, गणपति का प्राचीनतम चित्र भी प्राप्त हुआ है, कहां से, भीमबेटका, यहीं से मानव अंत्येष्टि के साक्ष्य मिले, मानव अंत्येष्टि के साक्ष्य दफनाने के अंतिम संस्कार, ठीक है।
ये कुछ विशेषता है जी भीमबेटका की। इसके अलावा कुछ और देखें तो ये इम्पोर्टेंट है, ये बेसिक ये नॉलेज है, इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी है, इसके बारे में आपको याद रखना है। भीमबेटका बहुत फेमस है, काफी स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। यहाँ पे जो विषय वस्तु है ये जो ये है, इसके अलावा ये विषय वस्तु है ये क्या है, यथार्थवादी है, याद रखें यथार्थवादी विषय वस्तु है, यानी कि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसी का आदर्शवादी नहीं है, याद रखना। वर्ल्ड फेमस है ये चित्रकारी की, क्योंकि इसमें महाभारत काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्र प्राप्त होते हैं। ये कहीं पूछ सकते हैं आप, ये एग्जाम में कर सकते हैं, आपके कंपटीशन का ही होगे, उस कंपटीशन के एग्जाम में पूछ सकते हैं के बारे में। इसके जो चित्र हैं वो काफी का बड़े बड़े हैं, 1 फुट से लेकर 8 फुट तक के प्राप्त होते हैं। प्रमुख चित्र ये हैं जानवरों के, शिकार करते जाते मनुष्यों के हैं, अपने शिकारी कुत्तों के साथ जा रहे हैं उनके चित्र हैं। तो ये हमें भीमबेटका में देखने को मिलता है, इसके बारे में आप पढ़ लेना है और डिटेल में पढ़ना है और नोट्स मिल जाएंगे आपको, उसे पढ़ लेना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।